हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय बेटी किचन डायरीज में आपका स्वागत है। और आज आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं टमाटर की चटनी या टमाटर की सब्ज़ी कह सकते हैं। तो जब आपके पास कुछ भी ना हो सब्ज़ी बनाने का और आपका मन ना हो सब्ज़ी बनाने का, तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसमें दो इन्ग्रीडियंट्स में सब बनकर तैयार हो जाएगा। 5 से 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से, बहुत झटपट से बन जाती है। क्विक रेसिपी है, बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ 400 ग्राम टमाटर लिए हैं और उन्हें हमने ऐसे चॉप कर लिया है। और 2.5 हमने मीडियम साइज़ की या बड़ी साइज़ की अनियन ली है, उन्हें हमने चॉप कर लिया है ऐसे स्लाइसेस में। और यहाँ हमने एक फ्राई पैन ले लिया है और इसमें हम ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने एक बिग स्पून या उससे थोड़ा सा कम ऑयल लिया है। अब हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं और हम सबसे पहले ज़ीरा डाल देंगे ऑयल गर्म होने के बाद। तो हमने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और अनियन डाल देंगे। अब अच्छे से हम अनियन को सॉटे कर लेंगे। और हमें इतना प्याज को सॉटे करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, हमें ब्राउन नहीं करना है। और यहाँ पे अब हम सॉटे हो गए प्याज, तो 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट पाउडर डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून। और अब हम मसाले डाल देंगे इसमें। धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून हल्दी डाल देंगे, 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम हम मिर्च डाल देंगे। सॉटे कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम टमाटर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को भी सॉटे कर लेंगे। और अब हम नमक डाल देंगे। और टमाटर डालने के बाद नमक इसलिए डाल देते हैं ताकि ये जल्दी गल जाए, टमाटर जल्दी गलते हैं नमक से। स्वाद अनुसार नमक डालिएगा और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको हम गलने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम 1 कप के करीब पानी डाल देंगे और जब तक हम इसको कुक करेंगे जब तक ये पानी सारा सूख नहीं जाता। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और यहाँ पे पूरा पानी सूख चुका है, देख सकते हैं आप, और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और सर्व करेंगे। और ये हमारी टमाटर की चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। और सब्ज़ी कह लीजिए, ये चटनी बहुत टेस्टी होती है खाने में, इसे आप ज़रूर ट्राई कर सकती हैं। जब आपका मन ना हो सब्ज़ी बनाने का तो आप ये ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगती है और झटपट से रेडी भी हो जाती है। अगर आपका मन नहीं है कुछ बनाने का तो झटपट से कुछ बनाना है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और बहुत जल्दी बनेगी और बहुत टेस्टी भी लगेगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और बनाएंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।